कहानी की शुरुआत में स्वर्ग से चमकता हुआ एक बूंद जमीन पर गिरता है और इस बूंद के अंदर से एक जादुई फूल बाहर निकलता है। इस फूल की एक खासियत होती है जिससे कोई भी जख्म या मरीज ठीक हो जाता है। एक बुढ़िया इस फूल को देख लेती है और यह इस फूल की शक्ति से हजारों सालों तक जवान रहती है। कई सालों बाद इस राज्य की महारानी माँ बनने वाली होती है। इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा होता है, इसलिए इस राज्य के सभी सैनिक और लोग मिलकर इस जादुई फूल को ढूंढने लगते हैं। वहीं वो बुढ़िया जब भी बूढ़ी होती है तो इस फूल के पास आकर एक मंत्र पढ़ने लगती है और फिर से जवान हो जाती है। ये बुढ़िया इस फूल को छुपा कर रखती है, लेकिन एक दिन ये फूल खुला ही रह जाता है। सैनिक यहाँ आकर इस फूल को देख लेते हैं और इस फूल को यहाँ से उठाकर राजा के महल में ले जाते हैं और इस फूल की जड़ी बूटी बनाकर महारानी को पिला देते हैं, जिससे महारानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद महारानी की एक सुंदर सी बेटी होती है जिसका नाम रपंजल होता है। रपंजल के होने पर राजा और रानी आसमान में गंधीर छोड़ते हैं। एक दिन रपंजल अकेले अपने कमरे में सो रही होती है, तभी यहाँ वो बुढ़िया आ जाती है और वो मंत्र गुनगुनाने लगती है। क्योंकि फूल की शक्ति रपंजल के बालों में समा गई होती है, इसलिए ये बुढ़िया रपंजल के बाल काटकर अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन ये जैसे ही इसके बाल काटती है तो इसके शक्ति का असर खत्म होने लगता है। इसलिए ये बुढ़िया हमेशा जवान रहने के लिए रपंजल को राजा के महल से उठा ले जाती है और घने जंगल के बीच एक मीनार के अंदर रपंजल को छुपाकर पालती है। रपंजल हर साल अपने जन्मदिन पर इस मीनार की खिड़की से आसमान में उड़ते हुए तारे देखा करती है। कई सालों बाद रपंजल बड़ी हो जाती है और इसके बाल कई मीटर लंबे होते हैं, क्योंकि इसके बाल काटने से इसके अंदर की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। रपंजल अपने पालतू गिरगिट के साथ अकेले इस मीनार के अंदर रहती है, क्योंकि इसकी माँ यानी वो बूढ़ी चोर बाहर से खाने पीने की सामान लेकर आती है। तो रपंजल अपने लंबे बालों को लटकाकर अपने माँ को ऊपर खींचती है। इसकी माँ मीनार के अंदर सामान रखकर वापस बाहर चली जाती है। इस कहानी में एक लड़का भी होता है जिसका नाम राइडर होता है। ये बहुत बड़ा चोर होता है और ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसी राज्य में चोरी करने जाते हैं और राजा के महल से महारानी का मुकुट चुरा के भागने लगते हैं। ये लोग भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां इनके सामने एक बड़ा सा पहाड़ आ जाता है। राइडर के दोस्त मिलकर इसे पहले ऊपर चढ़ा देते हैं, लेकिन राइडर अपने दोस्तों को ही धोखा देके महारानी का मुकुट लेके भागने लगता है। आगे जाकर राइडर और एक घोड़े में लड़ाई होती है और ये दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। राइडर इस घोड़े से बचने के लिए उस मीनार पर चढ़ने लगता है जिसमें रपंजल अकेले रहती है। ये जैसे इस मीनार में घुसता है तो रपंजल इसके सर पर तवा मारकर इसे बेहोश कर देती है। राइडर जब होश में आता है तो ये अपने आप को रपंजल के बालों से बंधा हुआ पाता है। रपंजल अपने मीनार से कभी बाहर नहीं गई होती है, इसे बाहर की दुनिया देखने का बड़ा शौक होता है, इसलिए ये राइडर को दीवार पर बने तारों का चित्र दिखाकर इसके बारे में पूछती है। तो राइडर रपंजल को बताता है कि ये कोई तारे नहीं है बल्कि गंधीर हैं, जो राजा और रानी अपने बेटी के जन्मदिन पर आसमान में छोड़ते हैं। रपंजल ये बात सुनकर राइडर से एक सौदा करती है, जिसमें रपंजल राइडर से बोलती है कि वो रपंजल को महारानी के महल में ले जाकर उसे उड़ते हुए गंधीर दिखाएगा। उसके बाद ही रपंजल राइडर का मुकुट वाला बैग वापस लौटाएगी। राइडर को मजबूरन इसकी बात माननी पड़ती है और ये दोनों मीनार से नीचे उतरने लगते हैं। रपंजल कई सालों बाद अपने पैर जमीन पर रखती है, इसीलिए ये बहुत खुश होती है। ये बाहर की हरी भरी दुनिया देखकर खुशी के मारे नाचने लगती है। वहीं दूसरी ओर जब रपंजल की माँ अपने मीनार में आती है तो वहाँ रपंजल नहीं होती है। इसकी माँ राइडर की बैग से इसकी तस्वीर देख लेती है। रपंजल और राइडर एक मदिरे की दुकान पर रुककर आराम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ सैनिक राइडर को पकड़ने आ जाते हैं। ये दोनों इन सैनिकों से बचने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं और एक गुफा के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी इस गुफा के अंदर पानी भरने लगता है। यहाँ अंधेरा होने की वजह से ये लोग यहाँ फंस गए होते हैं। तभी रपंजल वो मंत्र पढ़कर अपने बालों से यहाँ उजाला कर देती है, जिसके बाद ये लोग इस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। इधर रपंजल की माँ राइडर के दोस्तों को मुकुट वाला बैग दे देती है और इसके बदले ये राइडर को पकड़वाने को बोलती है। दूसरे तरफ राइडर के हाथ में थोड़ी चोट लगी होती है, तो रपंजल अपने बालों को राइडर के जख्म के ऊपर बांधकर वो मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे राइडर का घाव भर जाता है। रपंजल का ये जादू देखकर राइडर दंग रह जाता है। अगले दिन राइडर और रपंजल इस राज्य के अंदर आते हैं। रपंजल के बाल ज्यादा लंबे होने की वजह से इसे आगे चलने में परेशानी हो रही होती है।
तो राइडर वहाँ खेल रही छोटी छोटी बच्चियों को बुलाता है। ये चारों बच्चियाँ मिलकर रपंजल के बाल को अच्छे से बांध देती हैं। उसके बाद जब रात होती है तो राइडर रपंजल को नाव पर बिठाकर गंदीर दिखाने ले जाता है, जहाँ राजा और रानी मिलकर अपने महल से गंदीर छोड़ते हैं। उसके बाद राज्य के सभी लोग मिलकर गंदीर छोड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर रपंजल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वहाँ राइडर और रपंजल के बीच प्यार हो जाता है। तभी राइडर के पुराने दोस्त इसे मिलने को बुलाते हैं, तो राइडर नाव को किनारे पर लगाकर अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। उसके बाद राइडर के दोस्त राइडर को नाव में बांधकर इसे सैनिकों से पकड़वा देते हैं और रपंजल को उसकी माँ को सौंप देते हैं। रपंजल की माँ इसे वापस मीनार में लेके जाती है, जहाँ रपंजल को मीनार में एक चित्र देखकर पता चल जाता है कि वो ही खोई हुई राजकुमारी है। रपंजल मीनार से बाहर जाने के लिए अपने नकली माँ से लड़ने लगती है। दूसरी ओर राइडर को जेल में फांसी लगने वाली होती है, तभी वहाँ कुछ लोग आकर राइडर को फांसी से बचा लेते हैं। राइडर जेल से भागकर रपंजल को बचाने इसके मीनार में जाता है, जहाँ रपंजल की नकली माँ इसे छुपकर चाकू मार देती है और रपंजल के हाथ पैर बांधकर इसे मीनार के अंदर बंद करने वाली होती है। तभी रपंजल अपनी माँ को राइडर से आखिरी बार मिलने के लिए बोलती है, तो इसकी माँ रपंजल को छोड़ देती है। राइडर घायल होकर तड़प रहा होता है, तभी रपंजल उसके पास जाकर उसके घाव ठीक करने वाली होती है। लेकिन राइडर शीशे का एक टुकड़ा लेके रपंजल का सारा बाल काट देता है, जिससे इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और उसकी नकली माँ दोबारा बूढ़ी होकर मीनार से नीचे गिरकर मर जाती है। रपंजल की बालों की शक्ति खत्म हो जाने की वजह से ये राइडर को बचा भी नहीं पाती, जिससे राइडर की भी मौत हो जाती है। राइडर की मौत के बाद रपंजल बहुत रो रही होती है, तभी रपंजल की आँख से एक आंसू का बूंद राइडर के ऊपर गिरता है और तभी रपंजल की शक्ति दोबारा आ जाती है, जिससे राइडर फिर से जिंदा हो जाता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर राजा के महल में जाते हैं, जहाँ रपंजल अपने असली माता पिता से मिलती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।